और आप देख रहे हैं स्वच्छ इंडिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं। नेत्र शिविर में सुबह से ही उमड़े मरीज, निशुल्क आँखों की जांच शिविर कैंप का हुआ आयोजन। बर्रा स्थित एमआईजी रतनलाल नगर साउथ गैलेक्सी के सामने डॉक्टर रूपा आई क्लिनिक परिसर में सीजन के पहले रविवार को निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर कैंप लगाया गया। शिविर कैंप में करीब 200 से अधिक लोगों का नेत्र परीक्षण किया गया, जिसमें आए हुए मरीजों को निशुल्क जरूरी दवाएं, ड्रॉप आदि सामग्री निशुल्क वितरित की गई। वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रूपा सिंह ने बताया कि आज के समय में लोग खाली समय में खेलने व परिवार को समय देने की बजाय फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों पर काफी असर पड़ता है। साथ ही अधिकतर लोगों को डॉक्टर ने चश्मे पहनने की सलाह दी। कानपुर के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोगों को मोतियाबिंद व आंखों के पर्दे की आधुनिक मशीनों द्वारा निःशुल्क जाँच करके सभी को निःशुल्क दवाई वितरण किया गया। हम लोग यहाँ गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए हुए हैं, जिसमें मेनली हम आंखों की जांच ही कर रहे हैं। जिनको भी मोतियाबिंद है उनका फ्री में ऑपरेशन भी करेंगे, दवाएं भी फ्री में हम लोग दे रहे हैं। तो इस तरह से एक तरह से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं लोगों के लिए। लगभग कितने लोग हैं अभी तक जांच? अभी तक 104 पेशेंट देख चुके हैं, पर्चे अभी भी बन रहे हैं, आगे देखते हैं कितने लोग आते हैं। ये रेप जो शिविर जांच हो जाएगी जी, सारे अभी तो खून की जांचें लिखी हुई है, जैसे जैसे लोग रिपोर्ट्स लेकर आएंगे अपनी, उसके हिसाब से ऑपरेशन का शेड्यूल हम लोग कर लेंगे। दवा भी रिजल्ट लिया है? हाँ, दवाएं साथ में। मैम, ये कैंप जो लग रहा है कब कब लगते हैं? अभी इस सीज़न का तो मेरा फर्स्ट कैंप ही लगा हुआ है आज 10 तारीख को। अभी इसका सारे ऑपरेशंस हो जाएं उसके बाद हम लोग सेकेंड लगाएंगे, क्योंकि अच्छा काम करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा फास्ट हम लोग कैंप नहीं रख सकते। एक